नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि मीन राशि में जो शनि जाने वाले हैं 29 मार्च से 2025 से यह देश दुनिया पर क्या प्रभाव बना सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, जैसे ही ग्रहों का परिवर्तन होता है और उसका कोई ना कोई प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। तो शनि देव जो रहते हैं एक सत्य और न्याय के देवता हैं, बराबर न्याय करते हैं और सही काम करने वालों की सदा जो है मदद करते हैं, रक्षा करते हैं और गलत कार्य करने पर उसका दंड भी देते हैं, इसीलिए न्याय के देवता कहे गए हैं। तो शनि का जब मीन राशि में परिवर्तन होगा, मीन राशि में जाएंगे, गोचर करेंगे यहाँ पर, तो इसका क्या प्रभाव बनेगा यह मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। और शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं और जो है इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस वर्ष यदि हम शनि की बात करते हैं तो 29 मार्च 2025 से शनि ग्रह जो है आपके मीन राशि में चले जाएंगे और पूर्वाभाद्रपद इनका नक्षत्र रहेगा। तो इसके साथ ही साथ ये क्या प्रभाव दिखलाएंगे यह आप लोगों को बतलाऊंगी। तो लगभग 2027 तक इनका विशेष प्रभाव हमको देश दुनिया पर देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जब जब शनि मीन राशि पर आते हैं बड़ी परेशानियां, कठिनाइयां जीवन में उत्पन्न होती हैं और अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी ऐतिहासिक चीजें भी घटित होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मीन राशि यदि हम देखते हैं तो मीन राशि जो होती है गुरु की होती है और गुरु की स्वराशि होती है, लेकिन यह जल तत्व की राशि होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम शास्त्रों का वर्णन और शास्त्रों में जो भी जानकारियां दी गई हैं उसके आधार पर यदि हम वर्णन करते हैं तो शनि देव का क्या प्रभाव बन सकता है वह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतला रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से चक्र हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, संबत संहिता है, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, बृहस्पति संहिता है और ऐसे बहुत सी संहिताएं जो हैं हमें बतलाती हैं कि ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो हमें क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं सब की गणना के आधार पर आज मैं आप लोगों को यहाँ पर शनि की स्थिति का वर्णन करूंगी। तो शनि जो है जिनके प्रभाव से, क्योंकि शनि मीन राशि में जाने वाले हैं और जल तत्व की राशि है, तो यदि हम देखेंगे ग्रह स्थिति के आधार पर तो जो भारत के आपके जो क्षेत्र रहेंगे उन क्षेत्रों के जैसे बर्फीले पहाड़ प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ नागालैंड, नेपाल, सिक्किम, मेघालय आदि, इन क्षेत्रों में कुछ व्याधि और कुछ परेशानियां हमको देखने को मिल सकती हैं और शनि का और प्रभाव जो बन सकता है वह आगे और क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, शनि के प्रभाव से देश दुनिया में बहुत अशांति की वृद्धि होगी, युद्ध बार आदि हम देख ही रहे हैं, इनमें बढ़ोतरी हो सकती है, अकाल आदि की संभावना भी बन सकती है ग्रह स्थिति के अनुसार। साथ ही साथ जन सामान्य को बड़ी कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ क्योंकि मीन राशि में राहु का गोचर भी है, राहु भी विराजमान है, लेकिन राहु फिर जो है अपना राशि परिवर्तन भी बाद में करेंगे, लेकिन जब तक शनि राहु का योग बना रहेगा, केतु से सामने समसप्तक दृष्टि में बने रहेंगे, तो ऐसे में यह परेशानियां हमें ज्यादा उत्पन्न करेंगे। तो यदि मीन राशि में जब ग्रह पाप ग्रह आ जाते हैं, यानी कि शनि राहु हो गया और इसके साथ केतु की भी दृष्टि रहेगी, तो युद्ध की जो है स्थिति देखने को मिलती है और हम देख ही रहे हैं कि वर्तमान में युद्ध चल ही रहे हैं और अनेक प्रकार की जो न्यूज़ें आती हैं वह भी हमें देश दुनिया के बारे में बतलाती हैं कि कितनी स्थितियां जो है बदलाव हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, कई प्रकार की आतंकी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है, जल से संबंधित बड़ी बड़ी घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं, बाढ़, अकाल आदि, इनसे परेशानियां हैं जो देश दुनिया में उत्पन्न हो जाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम शनि का प्रभाव देखते हैं तो शनि अपना अशुभ प्रभाव जो है जरूर दिखलाते हैं और इससे इसके कारण से देश दुनिया पर प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं और इन सब के कारण जो है जो स्थितियां बनी रहती हैं वह बड़ी परेशानी युक्त यानी कि कष्टकारी स्थिति जो है देश दुनिया में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से शनि के रहते हुए जब तक मीन राशि में रहेंगे बड़ी बड़ी जो आशंकाएं व्यक्त कर सकते हैं, अनेक प्रकार की
आशंका और बीमारियां आदि भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से शनि जो है अपना प्रभाव देने वाले हैं। इस प्रकार से शनि का प्रभाव 2025 में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने शनि का जो शास्त्रों के हिसाब से एक वर्णन निकला वह आप लोगों से कहा है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।